पहले की बात है मित्र, महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महोत्तेजस्वी राजा दशरथ अपनी तीन रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को चार बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इतनी प्रसिद्ध कि महर्षि विश्वामित्र ने भी अपने यज्ञ को राक्षसी ताड़का के हाथों से बचाने के लिए राजा दशरथ से श्री राम को ही मांगा। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर का लक्ष्य था महादेव शिव के विराट धनुष सुनाभ की प्रत्यंचा चढ़ाना। बड़े बड़े महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाए। सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठे हैं।
खिलाड़ी रोहित कुमार पराजित हुए। बचपन में जिस धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना भी किसी क्षत्रिय के वश में नहीं रहा? क्या संसार में कोई नहीं जो सुनाब की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरो, धरती वीर पुरुषों से रिक्त नहीं। जब तक दशरथ पुत्र है तब तक तो नहीं। ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। कैकेयी, मैं सोचता हूं राम को उत्तराधिकारी बनाकर राजकाज से मुक्ति पालूं। अति उत्तम विचार है महाराज। यही उपयुक्त समय भी है कि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें और राम इसके लिए सबसे योग्य है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल गए हैं। तो क्या हुआ, राम उनका बड़ा भाई है। फिर राम तो सर्वगुण संपन्न है। मैं आज ही घोषणा करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्या वासियों को ये शुभ समाचार है कि महाराजा धीरा दशरथ ने युवराज राम के अयोध्या की होने वाली महारानी को मेरा अभिवादन। क्या बात है महारानी, मुझसे कोई भूल हुई? राजपुरुषों का क्या भरोसा, कल कोई और मुझसे सुंदर मिल गई तो वो महारानी बन जाएगी।
ऐसा विचार क्यों आया सीते? मैं स्त्रियों का यह दुख समझता हूं सीते। मैंने स्वयं अपनी मां को इस चक्र में फंसे हुए देखा है। सौत का डंक हर नारी के लिए विष ही होता है। तुम नहीं जानती सीता, मैंने बहुत पहले ही ये व्रत ले लिया था कि मेरी एक ही पत्नी होगी। संसार की कोई भी नारी मेरा ये व्रत भंग नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही स्त्री है और वो हो तुम। स्वामी, मैं भी प्रण करती हूँ कि सुख हो या दुख, सदैव आपके साथ ही रहूंगी। अब तो अभिवादन स्वीकार करो महारानी। परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर दी। ये आया सप्तम और ये जीता मैंने लक्ष्य, तू पुनः हार गई। हंस लीजिए रानी, जी भर के हंस लीजिए। पता नहीं आगे भविष्य क्या हो। क्या बोली तू? प्राणों का अभय हो तो बोलू रानी। कल मेरे राम का राज्य अभिषेक है, इस अवसर पे तो सबको अभय है। बोल, निर्भय होकर बोल। ये राज्य अभिषेक ही तो आपका दुर्भाग्य लाएगा। क्या बकवास करती है? मैं तो सदा आपका भला ही चाहती हूँ रानी। यहाँ आपके और भरत के अतिरिक्त मेरा है ही कौन? आपके विरुद्ध महल में षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? राम के राजा बनते ही कौशल्या और सुमित्रा आपसे गिन गिन कर बदले लेंगे। वो दोनों महाराज के आपके प्रति प्रेम से जलती हैं। नहीं नहीं, मेरा राम ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप राम राम भजती रहना और वो राजा बनते ही अपनी माँ के कहने पर आपको और भरत बेटे को राज्य से बाहर निकाल फेंकेगा। महाराज भी तब कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको शमरासुर युद्ध का स्मरण है ना? महाराज का जीवन बचाया था आपने और उन्होंने आपसे दो वरदान मांगने के लिए कहा था। जो आपने उस समय नहीं मांगे, किंतु अब मांगने की घड़ी है। शीघ्र बोल, करना क्या है? ऐसा ही होगा, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र। वैसे 14 वर्षीय क्यों, मृत्यु क्यों नहीं? नहीं नहीं रानी, राम लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर सकती है। 14 वर्ष में उसका यौवन बीत चुका होगा, सब उसे भूल भी चुके होंगे। और फिर जंगलों में तो राक्षस भी हैं, क्या पता राम का अंत उन्हीं के हाथों हो जाए। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। पिता के वचनों की रक्षा करनी है मां, मुझे अनुमति दे। मैं देखता हूं कौन आपके अधिकार छीनता है। मैं भरत का वध कर दूंगा। पिता सम्मुख आए तो उनका भी मैं। शांत रहो लक्ष्मण, अधर्म और पाप से युक्त राज्य का मैं लोभी नहीं। मेरी यात्रा की व्यवस्था करो, ये मेरी आज्ञा है। मैं भी बन जाऊंगी आपके साथ। मैंने हर स्थिति में
आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। किंतु सीता, यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो मृत्यु कारक होगी। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। नहीं नहीं, तुम समर्थ हो राम, तुम तलवार के बल पे कोसल पे शासन करो पुत्र। इक्ष्वाकु वंश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पिताजी, राम के जीवन में तो यह संभव नहीं। चलता हूं। मत जाओ राम, अयोध्या तुम्हारी है, तोड़ दो मेरा वचन राम, मेरे पुत्र, मत जाओ, मत जाओ राम, मत जाओ। राम, लक्ष्मण और देवी सीता का लक्ष्य चित्रकूट था। माझी केवट ने उन्हें गंगा पार कराए। ऐसा भक्त के तीनों के पैर धोए नौका में चढ़ाने से पहले। चित्रकूट के मनोरम वातावरण में तीनों अयोध्या का दुख भूल गए, लेकिन दुर्भाग्य अभी भी अयोध्या में ही मंडरा रहा था। महाराज दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। घटनाएं तीव्र गति से घटती गई। पुण्यात्मा भरत ने अपनी माता कैकेयी के षड्यंत्र को स्वीकार नहीं किया। वो श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। धर्मात्मा राम अपनी बात पे दृढ़ रहे तो भरत भी कम नहीं निकला। वो श्री राम की चरण पादुका ही अपने साथ ले गए। अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम के ही चरणों के नीचे था। दुष्टों का नाश करते हुए और जनसाधारण को प्रगति का रास्ता दिखाते हुए तीनों 10 वर्षों तक दंडक वन में इधर उधर घूमते रहे। अंततः वे महान अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने दोनों भाइयों को दिव्य अस्त्र दिए। वैष्णव धनुष
और जिनके बाण कभी समाप्त ना हो, ऐसे तुणीर अब राम महाशक्तिशाली थे। इसके बाद तीनों का अगला पड़ाव था पंचवटी। वनवास के 13 वर्ष पूरे हो चुके थे। देवी सीता और लक्ष्मण तो अयोध्या की स्मृति में थे, किंतु राम को संभवतः दैव की क्रूर क्रीड़ा का आभास था। कौन हो तुम रूपवान मनुष्य और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं दशरथ पुत्र राम हूं देवी, लेकिन तुम? मैं इस वन की रानी हूं, शूर्पणखा। आप यहां की रानी हैं, तो आइए मेरी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, संसार भर के सुख तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं नहीं जा सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूं, तुम जाओ। मेरे जैसी सुंदरी त्रिलोक में नहीं। मेरा प्रणय स्वीकार करो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो देवी, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, चली जाओ। तू मूर्ख है राम, अब तू मेरा दास बनेगा। दो सुंदर मानव। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इसी के कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो राम। अब तो मैं पहले इसको मारूंगी। लक्ष्मण, हम बच्चों और स्त्रियों को नहीं मारते, इसलिए जा, भाग जा। अब तो किसी को अपने रूप का लोभ नहीं दे पाएगी। सेनापति प्रहस्त, देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज, उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को, रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो, मार दो, बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। बैठे रहो विभीषण, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो। परंतु राक्षस राज, धर्म? मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा मूर्ख, सुना नहीं तूने? बैठा रहे। महामहिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है। शूर्पणखा, वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक मत कर शूर्पणखा, बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? राक्षस
जाती है। इतना क्या सोच रहा है? तेरी बहन का अपमान हुआ है, जा और नाश कर दे उन मानवों का। ये शूर्पणखा तो मूर्ख है। क्या पता देवों की कोई चाल हो। मानव स्त्री सीधा बस सदा स्त्रियों के बारे में सोच मरवाएगा। मुझे भी ये देवों का ही चल लगता है। मुझे भी यदि ये देवों का छल है तो मैं भी माया से ही काम लूंगा। सीता। सुंदर है अमृत। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता धीरे बोली, भाग जाएगा। देवों का षड्यंत्र तो नहीं। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत है रानी भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते, लक्ष्मण मैं इसे पकड़ता हूं, यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारे अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया और संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण, क्या माता कह कह की भांति तुम्हारा भी माथा भर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। सीता
मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी अब ये कुटी मंत्रबद्ध है, कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण मृत की लालसा की मैंने? भिक्षाम देही। सुखी रहो पुत्री, अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांग सकती। अपमान है, गौर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलोक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है रिपु? अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानंद रावण, उस शूर्नखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा, तू मेरी पटरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है, तेरा सर्वनाश होगा। चलो। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। इधर आशंकित तो राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबरा कर दोनों उन्हें ढूंढते हैं, परंतु अब वो कहां मिलने वाली थी? भाभी, सीता, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता, तू अब मेरी है। अबला का हरण करने में कहां की वीरता? तेरा सामना कर कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है, मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं, छोड़ दे इसे दुष्ट।
इधर देवी सीता अपने कुछ आभूषण ऋषिमूक पर्वत की चोटी पर गिरा देती है, जो वानर राज सुग्रीव को मिलते हैं। उधर दोनों भाई मार्ग में गंभीर रूप से घायल जटायु से मिलते हैं। दक्षिण की ओर चलते चलते श्री राम और लक्ष्मण से कबंध नाम का एक राक्षस टकराता है, जो कि वास्तव में एक शापित देव पुरुष था। कबंध द्वारा बताई राह पर चलते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शबरी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अद्भुत नारी थी वो फीलनी। स्वयं चखकर मीठे बेर उसने दोनों भाइयों को खिलाए। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। मित्र हैं, किंतु बाली से त्रस्त सुग्रीव हमारी कितनी सहायता कर सकते हैं? आर्या, यदि बाली से मुक्ति मिलती है तो सुग्रीव कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, और यदि श्री राम की सहायता मिलेगी तो सुग्रीव निश्चित ही विजयी होंगे। बाली ने अन्याय किया है, कोई छोटे भाई के साथ ऐसा नहीं करता। किंतु मित्र, तुम सुग्रीव के साथ क्यों हो? सुग्रीव प्रजा हित सोचते हैं और बाली निरंकुश है। वानर जाति का हित सुग्रीव का शासन ही है। कल का दिन महत्वपूर्ण है। कल सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे। चलो, भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। शाली है श्री राम, वो विशाल पर्वत खंडों को घूंसे से चूर चूर कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देता है। आप कैसे मारेंगे उसे? आप भैया की क्षमता पे संदेह कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। Thank you.
देखा मित्र? मैं अभी जाकर बाली को लौटाता हूं। मारना था तो ये योजना क्यों बनाई? मेरे वध के लिए कैसे मित्र हैं आप श्रीराम? मेरी कठिनाई भी तो समझो कपिराज। यदि बाली के भ्रम में बाण आपको लग जाता तो अनर्थ होता ना। हाँ महाराज, दूर से आप दोनों के भीषण युद्ध में कौन बाली है और कौन आप, ये भेद करना असंभव ही था। एक काम कीजिए कपिराज, आप दोबारा जाइए, इस बार योजना दूसरी है। नहीं नहीं भ्राता, आपकी योजना मेरे कितने काम की है ये मैं भली भांति जान गया हूं। इस बार चूक नहीं होगी कपिराज। देखिए, इस बार आप ये धारण किए होंगे।
हमें इसी जीवन में सिद्ध करना होता है कि हम उसके योग्य हैं। बाली मेरा भाई था, किंतु धर्म और कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं। मैं वानर राज सुग्रीव हूं, क्या वानर वंश मेरे साथ है? विशेष बात महामहिम, एक बड़ी वानर सेना इन दिनों किष्किंधा में एकत्र है। क्या बड़ी बात है? सुग्रीव राजा बना है तो शक्ति प्रदर्शन कर रहा होगा। युद्धपति सुषेण, आप अपने दल के साथ पूर्व दिशा में जाएं। तार, आप पश्चिम में जाएं। केसरी, आप उत्तर में जाएंगे। मैं आपको एक महीने का समय देता हूं। महीने भर के भीतर आपको लौट कर आना है, ये निश्चित करके कि देवी सीता उस दिशा में है या नहीं। हनुमान, अंगद, जामवंत और नलनी, आप मेरे सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। दक्षिण दिशा में देवी के मिलने की सर्वाधिक संभावना है, अतः अंगद के नेतृत्व में आपका दल दक्षिण जाएगा। स्मृति रखें, एक महीना। हम विश्वास दिलाते हैं महाराज, यदि असफल हुए तो जीवित नहीं लौटेंगे। किंतु यदि देवी मिली तो हमें पहचानेगी कैसे? यदि सीता मिले तो यह अंगूठी दिखाना, वे आपको मित्र ही समझेंगे। खालो पुत्री, अन्न त्यागने से कुछ नहीं होगा। कैसे खालू माता, क्या पता मेरे राम भी भूखे हों। भैया, 3 महीने हो गए, दक्षिण वाला दल अभी तक नहीं लौटा। अभी मैंने आशा नहीं छोड़ी है लक्ष्मण। देर होने का अर्थ है कि उन लोगों का साहस अभी जीता है। मैं वृद्ध हो चला हूं। ठहरिए महानुभाव, आप गिद्ध हैं? अवश्य गिद्धराज जटायु को जानते होंगे। जटायु? वो तो मेरा छोटा भाई है। तुम कैसे जानते हो उसे? मेरे भाई जटायु, जिस रावण ने तुम्हारी हत्या की उसका नाश होगा, नाश होगा उसका। सुनो बंधुओं, मैंने देखा था रावण को, किसी नारी का हरण करके लंका की ओर जा रहा था। अवश्य ही वो देवी सीता होंगी। लंका? हाँ, लंका, वही है उसकी राजधानी। इस समुद्र के बीच में है वो दुर्गम द्वीप। परंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग देव संपाति? यहां से दूर महेंद्र पर्वत के तट से लंका की दूरी मात्र 100 योजन रह जाती है। वहां समुद्र उथला भी है, क्योंकि मैनाक पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर। वहां से तुम लोग लंका पहुंच सकते हो। धन्यवाद गिद्धराज, हम उपकृत हुए। यहां से लंका
100 योजन दूर है। मैं 60 योजन तक तो बिना थके जा सकता हूँ। बूढ़ा हूँ फिर भी 80 योजन तो जा ही सकता हूँ। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूँ लेकिन लौटने में गड़बड़ हो सकती है, तो फिर क्या करें? मैं ही जाता हूं। रुकिए युवराज, आप दल के नेता हैं, मैं जानता हूं कौन जाएगा, लेकिन उसे जगाना होगा। वानर रत्न हनुमान, मौन क्यों बैठे हो? अवश्य ही शक्ति तौल रहे होगे अपनी। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है। साथियों, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। जा चुका हूं, आपका मंत्र पूरा हुआ, अब मुझे जाने दे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।
भैया हनुमान की ये कला तो अब तक छिपी ही थी। अरे मैं तो इसे बचपन से देख रहा हूँ, इतना चंचल कि सूर्य को फल समझकर खाने उड़ा था। इसकी उच्छृंखलताओं से तंग आकर ही तो इसको श्राप मिला था कि जब तक कोई इसे प्रेरित नहीं करेगा ये अपनी शक्तियों को भूला रहेगा। सो आज मैंने प्रेरित कर दिया। कहाँ होंगी देवी सीता, कहाँ होंगी? ये क्या? तू मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव हृदय मंजरी? उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा, मान जा सुलोचनी, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं, जा अपने दिन गिन, मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब दो गिन, मैंने तुझे एक वर्ष का समय दिया था और अब बस दो माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। मेरे राम, कहाँ हो मेरे स्वामी? क्या जीवन से हार मान लो? प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूं उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम? तेवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका? कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कपिवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करें, रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से ले चलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ये लो मेरा स्मृति चिन्ह, स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लो। खा लो।
राक्षसराज एक वानर उत्पात मचा रहा है, उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी। जाओ उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को सम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा ये साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। प्रास, वध कर दो इस तुच्छ वानर का। महाराज, दूत अवध्य होता है, इसके अपराधों का आप कोई अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु प्राण दंड आचार विरुद्ध होगा। वानर को उसकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा। क्या हुआ मंत्रीवर? मिल गई सीता माता। चला दी लंका। चूड़ामणि लक्ष्मण, सीता की चूड़ामणि कैसी है मेरी सीता? देवी सीता सब कुशल है और रात दिन आपके आने की राह देखती है। महाराज तनिक भी विलंब ना करें, अन्यथा 2 माह बाद रावण सीता माता को मार देगा। स्वामी, ये राम बड़ा ही शक्तिशाली है, उस पर ये वानर, आप सीता को लौटा दीजिए ना। ये वैभव, ये संपन्नता, ये जो सोने की लंका देख रही हो ना रानी, ये सब मेरा है, स्वयं के बाहुबल से अर्जित किया है मैंने। सीता, सीता अब मेरा आत्मसम्मान है और रावण अपना आत्मसम्मान किसी को नहीं दे सकता, समझी मंदोदरी? किसी को भी नहीं। क्या हुआ मित्र, कोई विशेष सूचना? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कल युद्ध में रावण की योजना कुंभकर्ण को भेजने की है। Thank you.
मेरे होते हुए तुम मृत्यु की ओर नहीं जा सकते लक्ष्मण। सुमित्रा मां को क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुत हल्का स्पंदन है, परंतु अभी भी आशा है। हिमालय पर्वत में एक बूटी पाई जाती है आर्य, मृत संजीवनी, लेकिन समय हमारे पास सूर्योदय तक ही है। कौन जाएगा वायुपुत्र? मैं जाता हूँ ऋक्षराज। सुषेण महाराज, मैं भला बूटी क्या पहचान, ये रहा द्रोना चल। धन्य हो हनुमान, धन्य हो। पहले हनुमान को ही मारूंगा। रुको पुत्र, ये शत्रु प्रबल है, हमें कोई और युक्ति सोचनी होगी। इसी के लिए तुम लोग युद्ध कर रहे हो ना? ये लो। सीता, ये असंभव है। ये अवश्य ही रावण की माया होगी, मैं अभी पता लगाता हूं। मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया था प्रिय, अब केवल 4 दिन शेष हैं। यही स्मरण कराने आया था। अरे हाँ, ये लो, ये लो तुम्हारा राम। अब 4 दिन बाद ही आऊंगा सीते। सूचनाएं थोड़ी अस्पष्ट है बंधु, रिजुटा से मेरा गुप्तचर अभी नहीं मिल पाया है। अर्थात भाभी जीवित हो सकती है। हाँ, एक बात और, मेघनाथ तांत्रिक निकुंभला यज्ञ करने गया है। निकुंभला? यदि ये यज्ञ पूरा हुआ तो उसे ऐसा रथ मिलेगा जिस पे चढ़कर युद्ध करने वाला व्यक्ति अविजित और अमर रहता है। मैं जानता हूँ कहाँ कर रहा है यज्ञ मेघनाथ। माता, मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ। पुत्री, तुम्हारे पति अजेय हैं। राक्षस राज ने अवश्य ही कोई माया रची होगी,
मैं पता लगाती हूँ। विभीषण के गुप्तचर को जानती हूँ मैं। राम को पता चल गया है कि सीता जीवित है। विभीषण ने भेद खोल दिया है। रावण, इस तरह धैर्य छोड़ना तेरा स्वभाव नहीं है। तूने 9 ग्रहों पर विजय पाई है रावण। तू स्वयं ही समर्थशाली है। तू महाबलशाली है। तू त्रिलोक विजेता है। पराजित नहीं हो सकता। मैं रावण हूं। रावण राक्षस राज। रावण मच्छर की तरह मसल दूंगा। ब्रह्मा का वरदान मिला है श्रीराम। मैं अमर हूँ। इसकी नाभि में अमृत है। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। चारों पैरों पर हनुमान गाया। We'll be right back.
सब भाग गए, त्रिजटा भी, मेरे राम विजयी हुए। स्वामी आ रहे होंगे मुझे लेने। कैसे सामना करूंगी उनका, एक वर्ष हो गया उनसे बिछड़े। मैं क्या नई बहू जो मुझे इतनी लज्जा रही है। सीते आंखें खोलो, सीते मैं आ गया तुम्हारा राम। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? नहीं नहीं, आंख खोलूंगी तो टूट जाएगा। ये स्वप्न नहीं है सीता, हम विजयी हुए। मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी, मैं आपकी रक्षा न कर सका। ऐसा मत बोलो लक्ष्मण, यही नियति थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। चलो अब घर चलते हैं, 14 वर्ष बीत गए, अयोध्या में सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महादेवी सीता की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो। चक्रवर्ती राजा बनो पुत्र।
भी सहज भाव से पा।